That's the news from the centre. Sarfraz Ahmed, the captain of Umar Associates, have won the toss and they have decided to ball first. टीमों की बात करें तो उमर एसोसिएट्स जिन खिलाड़ी पर मुश्तमिल है उसमें बिस्मिल्ला खान विकेटकीपर, जहांजेब सुल्तान, उमर बिन यूसुफ, असद शफीक, दानिश अजीज, सरफराज अहमद कप्तान, सजाद अली, सुहेल खान, नुमान अली, साकिब खान और उस्मान तारिक, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद फैजान, अंतम नकवी, रमीज अजीज कप्तान, साद खान, अमीर हमजा, इमरान रंधावा, काशिफ भट्टी, जाहिद महमूद, मोहम्मद इलियास और आफाक खान आफरीदी। मैच की पहली बॉल, अंपायर का इशारा सुहेल खान को और यही डिलीवरी, ये घूमती हुई गेंदे इनके पहचान बनी हुई है। इस बार ये अच्छा खेलने में कामयाब हुए हैं, अपने बैट से दौड़ के आना पड़ा फील्डर को, बाउंड्री लाइन से पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, वापस उड़े दूसरे रन के लिए और आसानी के साथ ये दूसरा रन भी हासिल किया। ये भी थोड़ी ऑफिस में से बाहर जाती हुई गेंद थी लेकिन इस बार अच्छा इसे खेलने में कामयाब हुए हैं। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब चार रन के लिए, एक और पॉजिटिव शॉट मोहम्मद हुरैरा की जानिब से। बॉल कर दिया और ड्राइव करने गए थे, बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकराई और यूं पहली विकेट पहले ओवर में हासिल कर ली उमर एसोसिएट्स ने। और ये साकिब की गेंद, घूमती हुई गेंद थी, इसे ड्राइव करने गए थे फैजान, पड़ने के बाद ये बाहर की जानिब निकली। इस बार अपनी जगह पर खड़े खड़े खेल दिया इस गेंद को फील्डर के सर के ऊपर से और एक अच्छी और क्लीन हिट लगाने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद फैजान। नुकसान उठाता है, इस बार एक बड़े हिट लगाने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद फैजान। एक बड़ा गैप मौजूद था, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया। इस बार भी इस गेंद को कवच की जानिब निकालने में कामयाब हुए, कोशिश जरूर की थी फील्डर ने डाइव करके इसे रोकने की, कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली तो फैजान को इस चौकी की सूरत में। क्लीन बॉल कर दिया, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और एग्रेशन को शो किया। जिस तरह इस ओवर में बैक टू बैक बाउंड्रीज लगी थी, सुहेल खान यकीनी तौर पर सोच रहे थे कि किस तरह से कमबैक किया जाए और एक बड़ा शानदार कमबैक किया। और इस बार ऑफलाइन हो गया, लेग स्टंप पर खासी बाहर गेंद थी, डाइव करके बिस्मिल्ला खान ने कोशिश की कि इस गेंद तक पहुंच सके लेकिन ऐसा कर ना सके और ये वाइड बॉल की सूरत में रन हासिल हो गए। अंतम नकवी तीन गेंदे खेल चुके हैं अब तक, कोई रन नहीं बनाया और इस बार कोशिश की थी इस गेंद को एक मुख्तलिफ अंदाज में खेलने की, बड़े हिट लगाने की कोशिश की थी। एक और डॉट बॉल कर रहे हैं बॉलर, इस बार इस गेंद को अच्छा खेलने में कामयाब हुए हैं। बड़ा गैप मौजूद था, डाइव करके पहुंचे हैं फील्डर मिड विकेट एरिया से, कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री लाइन से टकरा गई चार रन के लिए। एक दफा और इस बार एज हुआ और गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री की जाने पलक झपकते में चार रन के लिए, तो दो चौके इस ओवर में। इस बार अच्छा निकालने में कामयाब हुए हैं, कोशिश की थी उमर बिन यूसुफ ने कि इस गेंद का पीछा करें लेकिन बड़ी तेजी से खेला गया है शॉट था। इस दफा शॉर्ट गेंद उठा के खेले, गेंद हवा में, इसको एल्ला के फील्डर मौजूद और कैच गिरा दिया यहाँ पे जहांजेब सुल्तान ने। सो लेग स्टंप के बाहर गेंद पुल करने गए, बीट किया बैटर को और विकेट कीपर भी बीट हुए बिस्मिल्ला खान और पांच फाजिल रन का इजाफा होगा। इस दफा हवा में खेले, फील्डर मौजूद है, नवान अली ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए। हवा में खेले साथ, भरपूर टाइमिंग थी, एलिवेशन मिली लेकिन डिस्टेंस ना हासिल कर सके। और इस मैच में भी इन्होंने विकेट ली थी और आज भी शानदार आगाज किया है। बहुत ही जबरदस्त शॉट था यहाँ पे, मिड विकेट पे स्लॉग किया इसको। आगे गिरी भी गेंद, इस दफा स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट के ऊपर, बैक टू बैक सिक्सेस फॉर अंतम नकवी। एक और शॉट गेंद, फ्लैट हिट लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ओवर रन कर गए और नाइस ने कैच मिस जज किया बल्कि बाउंड्री भी यहां कंसीड की। कदमों का इस्तेमाल किया रमीज अजीज ने, गेंद है हवा में, खुशकिस्मत रहे कि डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद नहीं था और बॉल बिलाखिर जाके टकराई बाउंड्री लाइंस पे, तो एक और चौका हासिल किया यहाँ कप्तान ने। टेंस है,
कुवत भरा स्ट्रोक, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन देखना होगा यकीनी तौर पे थर्ड अंपायर रिजू करेंगे, लेकिन ऐसे रिएक्शन से लग रहा है कि शायद बॉल बाउंड्री लाइन से जा टकराई। जी हाँ, बड़ी हिट लगाने गए, अंदरूनी किनारा लिया, फाइन लेग पे फील्डर मौजूद नहीं है तो बिस्मिल्लाह खान खुद दौड़ लगाई है, शॉर्ट थर्ड मैन से भी फील्डर दौड़ते हुए आए, लेकिन इस दौरान गेंद ने दोनों को मात दी और जा टकराई बाउंड्री लाइन से, तो एक और चौका हासिल करने में कामयाब हुए अंतुम नकवी। बड़ी हिट लगाने गए इस बार लॉन्ग ऑफ की जानेब रमीज, लेकिन वहां पर मौजूद थे फील्डर, हम ग्राउंड फील्डिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहां मौजूद थे तजुर्बेकार असद शफीक जिन्होंने एक अच्छा कैच लेकर रमीज की इनिंग का खात्मा कर दिया। एक फ्राइटेड बॉल थी, उसको खड़े खड़े शॉट मारने की कोशिश की जिसमें वो आउट हो गए, अगर ये बॉल के करीब जाते, फुटवर्क इस्तेमाल करते तो ये बेहतर शॉट लग सकता था। 9 रन बनाने के बाद आउट हुए, 10 गेंदों का सामना किया। स्लो बाउंस अप, पुल किया, फ्लैट हेड और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर या शायद बाउंड्री की स्कर्टिंग से जाके लैंड की। जी हाँ, अंपायर ने अपने दोनों आर्म्स फिजा में बुलंद किए। शॉर्ट पिच गेंद स्लैप किया इस दफा इमरान रंधावा ने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर के जाने से खेलने में कामयाब हुए और ओवर का आगाज किया चौके के साथ, और शॉर्ट पिच गेंद स्लैप किया ऑल अक्रॉस द टर्फ, गैप तलाश किया और चौका हासिल किया रंधावा। इस दफा लेकिन गेंद जाती चली गई और लैंड की बाउंड्री लाइन के बाहर, और लगता है ऐसा है कि ग्राउंड के प्रीमिसेस से भी जो है ये बॉल बाहर जाके गिरा है, बहुत कुवत वाला शॉट था और बहुत हवा में बॉल गई। आप देखें साहिब मयूब जैसे जिस तरह वो खेल रहे हैं, और उमर बिन यूसुफ है और बहुत से बच्चे, बहुत ही माशाल्लाह यानी अच्छा क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेल रहे था, उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था। मजर अब्बास भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम मजर भाई। जी वालेकुम सलाम नसीम भाई। इस शहर में अगर आप इतनी 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए अगर आप एक टूर्नामेंट के लाइव कवरेज के लिए लेंगे तो फिर आप क्रिकेट खत्म कर रहे। ये क्रिकेट खत्म होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जो टीमें सारे प्रोविंसेस से पिक हों, बेहतरीन यूनिवर्सिटी की टीम या कॉलेज की टीम, उनका एक नेशनल आपको टूर्नामेंट वो करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड के पास जिस तरह मैंने कहा कि इतनी रिसोर्सेज हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पोटेंशियल को तलाश करने की जो मुहिम है ना उसको तेज करना चाहिए हमारे यहाँ, तब हमारे यहाँ एक आपके पास बैकअप की पूरी टीम तैयार होगी। बैकअप ध्यान स्लोवर डिलीवरी उठा के खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जाने, और एक शानदार कैच, बेहतरीन कैच लेने में कामयाब हुए हैं और अमीर की इनिंग्स का खात्मा किया। तो तीन शानदार कैच लेने में कामयाब हुए आज उमर एसोसिएट्स के फील्डर, पहला अरशद शफीक का जो कि एयरबॉर्न थे और बेहतरीन कैच लिया आज, आगे जाने टाइल लगाते, फिर ये सरफराज इन्होंने इनिंग का खात्मा किया इमरान रंधावा की, और ये ओवर की दूसरी गेंद पे बार फिर फॉरवर्ड जाके डाइव लगाई और कैच लेने में कामयाब हुए। तो बस स्लोअर गेंद, काशिफ भट्टी ने पुल किया है इसको मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान और एक और रन हासिल किया। तो मैथिवी गेंद, कुवत भरा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के फील्डर अपने बाकी दौड़ते आए, दूसरा रन लेने के लिए गए और रन आउट हो जाएंगे। काशिफ भट्टी बॉलिंग एंड पे दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए क्रीज पे बर्बक ना पहुंच सके। सोहेल बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो हुरैरा और फजान इनिंग्स का आगाज करने आए, दोनों ही सोहेल खान का शिकार बने। अंतुम नकवी तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए, 40 गेंदों का सामना करके 52 रन बनाए और उनका साथ निभाया इमरान रंधावा ने जिन्होंने 30 गेंदों का सामना करके 53 रन बनाए। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 बॉलर्स का इंतखाब किया आज सरफराज अहमद ने, सोहेल खान 4 विकेट लेके नुमाया रहे, 42 रन कंसीड किए, साकिब 1 विकेट लेने के 30 रन कंसीड किए अपने 3 ओवर्स में, नुमान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, पहला मैच था 21 रन कंसीड किए विकेट लेने में कामयाब हुए, और दानिश अजीज ने भी 30 रन दिए अपने 4 ओवर के स्पेल में और 1 विकेट ली। इलियास उभरते हुए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, इस बार आउटसाइड एज लगा, स्लिप में गेंद गई थी, लगी रहे जहांजेब सुल्तान, एक अच्छा कैच होता अगर ये स्लिप में खड़े फील्डर कैच थामने में कामयाब हो जाते,
और इस बार आउटसाइड एज लगा, यूं पहला नुकसान उठाना पड़ा उमर एसोसिएट्स को। जहांजेब सुल्तान आउट। इस बार अच्छा कनेक्शन यहां पर और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन हासिल हुए यहां। जहीरुल इस्लाम और अली सलमान यहां दिखाई दिया। इस बार बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के बाहर। 6 रन। इस बार जबरदस्त कनेक्शन यहां पे सज्जाद का, या डॉट बॉल या छक्का। जबरदस्त बैटिंग सज्जाद की जानिब से। अच्छी गेंद, इस बार लेंथ बहुत अच्छी थी और गेंद पढ़ के थोड़ा सा अंदर की जाने भाई। इस बार सामने की जानिब खेला और ये बिस्मिल्लाह खान आउट। लॉन्ग ऑफ पर अच्छा कैच, आफाक आफरीदी ने एक इंपॉर्टेंट विकेट दिलाई है। और ये सज्जाद भी आउट हो गए। काशिफ भट्टी ने आते ही पहली गेंद पर विकेट दिलाई। एक और नुकसान यहां पर हुआ। उमर बिन यूसुफ की विकेट भी हासिल हो गई है यहां। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल दो खिलाड़ियों को आउट कर रखा है। इस बार अच्छा निकालने में कामयाब हुए हैं असद शफीक। बड़ी तेजी से गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 9.41 का एवरेज। तो एक चांस जरूर क्रिएट हुआ था, आफाक दूर चले गए थे। इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई अगेन और लकी रन हासिल हो गए असद शफीक को। जो बॉल जो है वो फील्डर के हाथ में चली गई। इस बार भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को निकाल दिया फाइन लेग। इस बार सरफराज अहमद बैकफुट पर गए, गैप हासिल किया है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो के हिसाब से उन्होंने टारगेट को सेट किया है और ये इनका पसंदीदा शॉट है और रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकला इस शॉट पर। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बैकफुट पर गया है, खतरनाक अंदाज में खेले थे इस बार असद शफीक और बड़ा अच्छा ही नोट पर इस ओवर का इख्तिताम किया। एक बार फिर स्वीप करने में कामयाब हुए हैं और एक बार फिर नतीजा बाउंड्री की सूरत में हासिल हुआ। तो 3 मुसलसल बाउंड्रीज जो 3 शॉट्स खेले हैं सरफराज ने हासिल किए अब तक। सेकंड आपसे सवाल यह है कि वर्ल्ड T20 में किस बैटर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए? लेजेंड बैटर जावेद मियादाद ने अपना आखिरी मैच किस मैदान में खेला था? ओके आगे आओ ना फिर मुझे कहते हो। अच्छा आखिरी सवाल है मोबाइल फोन का, ठीक है। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने के टीम स्क्वाड लेग पे फील्डर मौजूद, दौड़ते हुए गए लेकिन रोक नहीं पाएंगे। मजाक बाउंड्री पे तैनात, इस दफा उठा के खेले हवा में, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है मौजूद और कैच लेने में कामयाब। तो बड़ी पार्टनरशिप तोड़ी है यहाँ पे इमरान रंधावा ने। What a great ball this is from Imran Randhawa. He has been doing great, and what a great catch from Mohammad Herrera. आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन सिर्फ अंदरूनी हिस्से से चार टकराई गेंद बैट के और सरफराज ने कॉल की, 1 रन मुकम्मल किया। तो इसी दौरान 118 पे जा पहुंचा उमर एसोसिएट्स का स्कोर। हवा में गेंद और आउट हो गए सरफराज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट किया लेकिन कैच करने में नाकाम रहे यहां पे काशिफ भट्टी। अपना बायां हाथ हवा में लहराया था कैच करने के लिए लेकिन खुशकिस्मत रहे यहां साकिब। वो फाइनल में मुकाबला करेगी और ये फाइनल मैच। इस बार इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, बड़ी तेजी से अपने आप को पोजीशन में लाया, अच्छा गैप भी मिल गया और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, मच नीडेड बाउंड्री। इस बार बड़े हिट लगाने में कामयाब हुए और जिस मकसद की हमने बात की थी अब वो आकर पूरा हुआ है। एक बड़े हिट लगाए 6 रन के लिए।
एक बार फिर जोरदार अंदाज में बल्ले को घुमाया और एक बार फिर अच्छा नतीजा हासिल किया। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। दानिश अजीज तेजी से अपने आप को पोजीशन में लाया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर को रखा हुआ था इसी काम के लिए और ये काम पूरा हुआ। यूं एक और नुकसान उठाना पड़ा उमर एसोसिएट्स को, छठी विकेट गिर गई। नौ रन बनाने के बाद आउट हुए, छह गेंदों का इन्होंने सामना किया। इस बार जोरदार हिट लगाई है, स्ट्रेट हिट लगाने में कामयाब हुए हैं साकिब और फॉर्म पिक कर लिए उन्होंने अपनी। गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया चार रन के लिए 150। अपने स्पेल की आखिरी गेंद करने के लिए मोहम्मद फैजान, ये भी अच्छी गेंद थी। इस गेंद पर भी सिर्फ एक ही रन बन सका तो एक अच्छा स्पेल था ये फैजान का दिया। फुल टॉस गेंद मिल गई, जोरदार अंदाज में बल्ले को घुमाया लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके। एक और अहम मौके पर कीमती विकेट हासिल कर लिए और अंपायर ने नो बॉल का इशारा दे दिया। ड्रामा है, डीएचए मोइन खान अकेडमी में काफी बड़ा नो बॉल था, इलियास को बहुत ज्यादा मुहतात होना पड़ेगा। नौ गेंदों पर 20 रन दरकार। ऑफिसम से बाहर ये गेंद, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। ऑफिसम से बाहर ये गेंद थी, एज हुआ और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक कीमती बाउंड्री हासिल हुई है उमर एसोसिएट्स को। इम्प्रोवाइज करने गए और अच्छा कर गए, गेंद को पहुंचा दिया फाइनल बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। तो अब आखिरी ओवर में 10 रन दरकार है इस मैच को अपने नाम करने के लिए। अभी तक जो है लियास मुतमईन नहीं है कि जो एम्पायर ने वाइट बॉल दी थी। आफाक अफरीदी आखिरी ओवर करने के लिए, पहली गेंद अच्छा कनेक्ट करने में कामयाब हुआ है, गैप हासिल हो जाएगा लेकिन फील्डर बड़ी तेजी से गेंद पर लग के वापस उड़े दूसरे रन के लिए और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। पांच गेंदे 8 रन, फुल टॉस गेंद दे दी और इसी गेंद के इंतजार में थे। इसको जबरदस्त साबित होंगे। सोहेल खान कुछ और ही सोचे बैठे थे लेकिन बड़े हिट लगाने गए थे, हवा में चली गई गेंद, नुकसान उठाना पड़ गया। विकेट नंबर 8 गिर गई है उमर एसोसिएट्स की। तो बड़ी अकलमंदी से इस गेंद को फाइनल लेग की जानिब निकाल दिया चार रन के लिए। तो उमर एसोसिएट्स ने ये सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया, दो विकेटों से शिकस्त दे दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। नेल बाइटिंग ये फिनिश हुई है, बड़ा जबरदस्त ये मैच था, शानदार मैच और जिसका जो है उमर एसोसिएट डिजर्व करती थी जीतने के लिए, जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला है, स्पेशली उनके ऑलराउंडर ने और जिस तरह से बैटिंग की है। आके बैटिंग की कारकर्दगी का अगर जायजा लिया जाए उमर एसोसिएट की, तो सज्जाद 24 रन बनाने के बाद आउट हुए, जहांजेब ने एक रन बनाया, बिस्मिल्लाह ने 3 रन की इनिंग खेली, उमर बिन यूसुफ एक रन बनाकर आउट हुए, असद शफीक ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया 28 गेंदों पर 44 रन बनाकर वो आउट हुए, सरफराज अहमद ने 28 रन बनाए 25 गेंदों का सामना किया और साकिब ने बड़ी जबरदस्त आज इनिंग खेली और अपनी टीम की फतह में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बॉलिंग की अगर बॉलिंग का जायजा लिया जाए तो मोहम्मद इलियास ने 3 ओवर्स में 35 रन किए, विकेट लेस वो रहे। आफाक अफरीदी ने 3.4 ओवर्स में 35 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, काशिफ ने 3 ओवर्स में 14 रन दिए 2 विकेटें हासिल की, जाहिद महमूद 2 ओवर में 29 रन दे गए, कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। इमरान रंधावा ने शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 37 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद फैजान ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 179 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर इमरान रंधावा ने, और अंतुम ने शानदार निस सेंचुरी स्कोर की। सोहेल खान ने 4 विकेटें हासिल की जिसके जवाब में 19.4 ओवर्स में हदफ को हासिल कर लिया उमर एसोसिएट्स ने।